बताना चाहेंगे दैवेद समाज के तरफ से आज पांचों वर्धापन सोहरा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भी उसमें साथ? नहीं 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 से लाउडली एक मिनट सर, एक मिनट आप सर प्रोग्राम सबका अच्छा योगदान हुआ और अच्छा गाने का प्रोग्राम होने से सबसे अच्छा लगा। तो खास करके विशाल कर्णे जो आयोजक है उनके बारे में क्या कुछ थैंक यू सर। भाऊ काय करणार आज पाचवा वर्धापन दिवस आहे दैवत समाज, आपण बरोबर यांच्या पुढे पण बघितलं तर काम दैवत समाज वाटत पुढे पण काय सांगाल करणार? आपण गेल्या पाच वर्षात केलेली कामं आपण सर्व पत्रकार बांधवांनी अशीच आमच्या समाजातील इतर लोकांपर्यंत पोचवा, म्हणजे हा पाचवा नाही आपण पन्नासावा वर्धापन दिला। आजच्या ह्या कार्यक्रमाबद्दल काय सांगणार कशा पद्धतीने? आजचा कार्यक्रम खरं म्हणजे आचारसंहिता होती, अनेक परवानग्यांचे प्रॉब्लेम होते, परंतु आमचे युवा संजय दिना पाटील साहेब उभे राहिले, त्यांनी सांगितलं वर्धापन दिन कार्यक्रम हा दिवशीच होणार, आचारसंहिता असेल कार्यक्रम समाजाच्या लेवलला तुम्ही करा, आणि त्यांनी दिलेल्या शुभेच्छा ज्या आहेत त्या शुभेच्छाच्या स्वरूपामध्ये आज हा मधुसंग्रह इथे आला होता। भाऊ काही कारणास्तव येऊ शकले नाही आहेत इथे, परंतु त्यांच्या शुभेच्छा आम्हाला आहेत, आमच्या शुभेच्छा त्यांना आहेत। आज के प्रोग्राम में मुझे यहाँ पे बुलाया है, इसके लिए मैं समिति का बहुत आभारी हूँ, मुझे अवार्ड दिया है उसके लिए भी बहुत आभारी हूँ, और मैं चाहूँगा कि समिति के लिए मैं और कुछ करूँ ये मेडिकल फील्ड में, इसलिए विशाल कर्णे साहब से बहुत 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 दिल से आभारी हूँ। अभी इसमें दो तरीके के तड़के हैं, एक हमारी महिला सेना है जो शिल्पाताई है जो सबका नेतृत्व करती है, इनका इंस्पिरेशन है और ये प्रोग्राम को हाँ बोलती है तो हम प्रोग्राम अरेंज करते हैं। अभी इन्होंने प्रोग्राम इतना अच्छी तरीके से किया है कि सब लोग यहाँ से खुश होके गए हैं। अभी 12 बजने को आ रहे हैं तभी भी जनता जाने को रेडी नहीं है, उनको और भी एक दो सॉन्ग सुनने हैं। अभी ये इवेंट को चालू करके अभी इनका आज का दूसरा प्रोग्राम था लाइव शो, लेकिन सब लोग इतने अच्छी तरीके से फिट हो गए ये फॉर्मेट में कि ये सब लोग प्रोफेशनल सिंगर्स करके अभी मार्केट में, आज हमारी सोनल मैडम है, आज के दिन का उनका दूसरा शो है, पहला शो करके थाना में अभी वो दूसरा शो करने के लिए यहाँ आई है, तो ये सब टीम वर्क अच्छा चल रहा है और सबकी अच्छी शुभकामनाएं है, तो ये प्रोग्राम ऐसे आगे चलते रहेगा। सर ये पांचवा साल है, आगे भी फ्यूचर में भी इसी तरह के प्रोग्राम करवाते रहेंगे? पांचवा साल है ये, पांचवा साल में स्पेशल ऐसा था कि हमने कैटेगरी की थी कला उद्योग आरोग्य शैक्षणिक सामाजिक, और ये सारे क्षेत्रों में जो जो हमारे मान्यवर लोग थे जिनका कार्य उल्लेखनीय था वो कार्य को सराहने के साथ साथ में उनका मनोरंजन करने के उद्देश्य से ये वर्धापन दिन और सासों की सरगम, जो शिरीष जी देवरुखकर हमारे ब्रांड एम्बेसडर है ये सासों की सरगम के, अभी वो सिंगर है के डांसर है वो आप खुद ही अभी डिसाइड करो, उनका परफॉर्मेंस जो हुआ है वो वीडियोस देखे, तो ऐसा है वो टोटल मिलजुल के पूरा एक इवेंट का प्लान किया था। अभी लगभग 650 लोग यहाँ पे हाजिरी देके गए हैं, रजिस्टर में उनके नाम दर्ज हो गए, तो काफ़ी तौर पे प्रोग्राम अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया हुआ है। कुछ लोगों को सम्मान दिया गया, ईशान्य मुंबई जिले में जो काम हो रहा है ये समिति के माध्यम से, उसमें डॉक्टर निनाद रांगनेकर है, शरद जी कसवनकर, सुभाष जी नार्वेकर, मयंक भुरके है, और हमारे जो साथी लोग हैं इनके साथ में इनका जो कार्य चालू था वो कार्य को सराहने की एक ज़रूरत थी, समाज को दिखाना था कि कार्य ऐसा भी होता है, एक अलग
तौर पे अलग डायरेक्शन में, जैसे ये 21st सेंचुरी जा रहा है वो डायरेक्शन में हम ये समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ लोगों को अप्रिसिएशन यहाँ पे कराया गया, उसके लिए नॉमिनेशन मंगाए गए थे, हर एक कैटेगरी में 10-10, 12-12 नॉमिनेशन आए थे। फिर हमारे जो सीनियर मेंबर्स है, भाई इरलेकर है, दांडेकर है, मालनकर, ये लोगों ने वो सबको फाइनल करके फिर उनको अवार्ड वगैरह। काफ़ी एनर्जी है आपके अंदर, तो क्या है था? गुरु मंदिर से देंगे, ये लोगों का प्यार है जो कुछ दिन दिन जवान करते जा रहा है, बस इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज आपका बर्थडे भी है और इस तरह का प्रोग्राम करके पूरे समाज को एक जगह इकट्ठा करके और बहुत अच्छा आपने गाना भी गाया, तो किस तरह से सेलिब्रेशन किया आपने? खुश हैं? खुश तो बहुत हूँ खैर, मगर समाज के बारे में इतना सोचना, उसके लिए सबसे मूल्यवान अपना समय देना, ये सभी लोग कर रहे हैं और इनकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 5वां वर्धापन दिन है, मैं चाहूँगी इसे 5वां वर्धापन दिन चले। कहना चाहेंगे सक्सेस प्रोग्राम हुआ है, कितनी खुशी मिल रही है और कितना उत्साहित है अगले प्रोग्राम को कराने के लिए। तो खुशी तो बहुत मिल रही है, इतना ही बड़ा कार्यक्रम हम लोग ने किया, मतलब इसमें हम लोग सिर्फ संयोजक हैं, लेकिन जो सपोर्ट विशाल जी से मिला है वो सपोर्ट हमको मतलब हर बार मिलता है, ऐसा नहीं है कि आज ये कार्यक्रम है तो नहीं, उनका जो डेली रूटीन है उसमें भी वो प्रोत्साहित करते रहते हैं कि लोगों से मिले, लोगों से मिलो, लोग क्या करते हैं, लोगों से कनेक्ट रहो, इसके वजह से ये प्रोग्राम इतना सक्सेस हुआ कि हम लोग लास्ट 5 साल से लोगों से कनेक्ट हैं, लोग हमारे प्रोग्राम के लिए लोग बोलते हैं कि आपका प्रोग्राम रहेगा तो उनका बहुत अच्छा रहेगा, और लोग मतलब लोग आते ही आते हैं कि भाई ये प्रोग्राम जो है प्रोग्राम सक्सेस प्रोग्राम है, और लोग बोलते हैं कि ये लोग अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ पहले, कि उनका सपोर्ट बहुत अच्छा है हमारे लिए, और ऐसे शिरीष जी, शिल्पा मैडम, उनके जैसे बहुत कलाकार हमारे जो हमारे पास जो है, वैसे हम बहुत सारे मतलब अभी 1-2 हुए हैं, वैसे हम लोग 100-500 शो करें। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगी कि हमारी इस बारे में हमें विशाल करने जैसा एक आइडियल मिला, एक सपोर्टर मिला, उन्होंने हमें मतलब प्रॉपर शेपिंग करने का जो काम किया है, उसके उनके माध्यम से हम अगर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ के उनको सपोर्ट करके उनके आगे ऐसे आगे चलना शुरू करते हैं। ओके सर, ओके।